निपटेंगे। कहने कहा पोछ भाई, अगर तुझे ताज ले जाना ही है तो हमारी ताजपोशी के बाद ले जा। मैंने कहा था ना कि ये ताज तुम्हारे सर तक नहीं पहुँचेगा। राजकुमार, वो सर पैदा करो कि प्रजा अपने हाथ से तुम्हें ताज पहनाए। मगर तुमने वो सर पाया है कि प्रजा अपने हाथ से ताज उतारने के लिए मजबूर है। ये ताज हमने हमारे सर की साइज का बनाया था, तुम्हारी खोपड़ी पर इसकी फिटिंग नहीं हो सकती। तुम इसकी फिक्र न करो राजकुमार, मैं ये ताज अपने सर के लिए ही ले जा रहा हूँ। इसे ले जाकर वहाँ रखूँगा जहाँ इसकी असली जगह है। वाले, अगर वाकई तुम दिलेर हो तो हमें बताओ ये ताज तुम कहाँ ले जाकर रखोगे। हम हमारी नंगी तलवार लेकर आएंगे और हमारा ताज वापस ले जाएंगे। जैसे प्यासा अपने आप ही कुएं को ढूंढ लेता है, वैसे ही जो सर इस ताज के काबिल होगा अपने आप ही इस ताज तक पहुँचेगा। सिपाहियों, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाओ पकड़ो सर। हमारे बाप दादा हीरे जवाहरात का ताज पहना करते थे और हम बर्फ का थैला सर पर रखकर बैठे हुए हैं। कैप्टन, कहीं से भी हमारा ताज ढूंढ कर लाओ और किसी वेल्डर को पकड़कर हमारे सर पर ताज रखकर उसकी वेल्डिंग करवा दो, फिर हम देखते हैं वो हमारे सर पर से ताज कैसे उखाड़ के ले जाता है। राजकुमार, मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ कि ये ताज चोर कौन हो सकता है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ये ताज चोर जरूर इंसान की औलाद है। हमने पॉकेट मार तो देखे हैं, लेकिन ताजमार पहली बार देख रहे हैं। राजकुमार बोलिए, हमारी समझ में एक तरकीब आई है। फरमाइए। आप इनाम मुकर्रर कर दीजिए, जो कोई भी नकाब पोश को पकड़ के लाएगा या उसका सर काट के लाएगा वो इनाम पाएगा। अपनी चटनी रोटी किसको प्यारी नहीं होती है, कोई न कोई तो उसका सर काट के लाएगा ही। क्वीन फिटोरिया जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन निकाब पोश का मुंह निकाब से ढका हुआ है, उसका थोबड़ा किसी ने नहीं देखा। अगर इनाम के लालच में लोगों ने एक दूसरे के सर काटने शुरू कर दिए तो हमें हमारी रियासत का नाम बदलकर सर कटों की रियासत रखना पड़ेगा। छोटू, तू शराब पी रहा है, ये तूने क्या किया छोटू? जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, अगर मैं हिम्मत करके झुकने को अपनी दिल की किताब पढ़कर सुना देता तो कभी नकाब पोश से मोहब्बत नहीं करती मोटू। अरे मैं पूछता हूँ तूने पी क्यों? मैं तुम पर मरता हूँ झुकनी, ये कहने की मुझमें हिम्मत नहीं थी इसीलिए मैंने पी। मोटू, मैंने शराब नहीं हिम्मत पी। हिम्मत? बाप रे, अरे हिम्मत के बच्चे, तू मरेगा एक दिन। वो देख जुगनू आ गए। जुगनू आ गई? जुगनू, जुगनू, मेरी जान रुक जा। ए, तूने शराब पी रखी है क्या? वो भी इंग्लिश। जब
सोना ये समझा कि हम पी के आए। पी रखी है तो जाके चुपचाप सो जा। पी के अकेला सो? सारी जिंदगी की कमाई बॉटल पर लुटा दिए जुगनू। बल्ले बल्ले ओए ओए गिटकू, तेरे बोलने का मतलब क्या है? दो माले पर क्या खड़ी हो? ग्राउंड फ्लोर पर आओ तो बात करी जानी। जानी बोल क्या बोलता है? जुगनू I love you. मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो, मैं तुम्हें चांद की दुनिया में ले जाऊंगा। तू तो मुझे चांद की दुनिया में बाद में ले जाएगा, पहले मैं तुझे चांद की दुनिया में फेंक देती हूँ। ताज अगर हमें नहीं मिला तो क्या सचमुच ये बर्फ की थैली हमें सर पर रखनी पड़ेगी? ताज कहाँ हो सकता है? ताज का पता मिल गया। हाँ क्या? राजकमल। नीलमहल पुराना खंडर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। से पहले सोच लो, ताज इंसाफ का निशान समझा गया है, लेकिन आज तारीख ऐसी बदली है कि इंसाफ भी प्यार वफा की तरह धुआं बनकर उड़ गया है। इसीलिए इस ताज को यहाँ लाकर उस वक्त तक के लिए रख दिया गया है जब तक कोई सर इस ताज के काबिल नहीं मिलता। मैंने इस ताज के लिए एक ऐसा सर तलाश किया है जिस पर इंसाफ भी फख्र करेगा। ताज का चौकीदार हूँ, जबानी बातों पे यकीन नहीं कर सकता। मेरी तलवार को आंखें हैं, वो एक बहादुर इंसाफ पसंद के मुकाबले नहीं उठेंगी। आंखें मेरी तलवार को भी हैं। जब तक इंसाफ करने वाला सर वो खुद न देख ले, ताज को यहाँ से ले जाने नहीं देंगी। अब ये तलवार आपके ऊपर नहीं उठेगी। खुशामद से ताज के चौकीदार को कोई नहीं खरीद सकता। आपको गलतफहमी हो गई है, मैं खुशामद नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ये हाथ तलवार के लायक नहीं बल्कि गले का हार बनने के लायक है। ये हाथ एक जवान मर्द का है। आपकी जवानी और जिंदा दिली मुझे ये पैगाम दे रही है कि मैं झुक कर 100 बार आपको सलाम करूं, लेकिन हाथों से नहीं। संभलो। मैं बिल्कुल संभला हुआ हूँ। बहानेबाजी से तुम मेरी तलवार से बचना चाहते हो? बचना कौन चाहता है, मैं तो आपको ये समझा रहा हूँ कि मेरी तलवार सिर्फ मर्दों पर उठती है। मैं भी तो मर्द हूँ। आप और मर्द? उइमा। अरे वारे मर्द उइमा। देखिए हमारा आपका झगड़ा सर और जमीन का नहीं, सिर्फ इस ताज का है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो ये ताज मैं ले जाऊं। मैं आपसे वादा करता हूँ, ताजपोशी के दिन ये ताज मैं आपके हाथ में दूंगा। आप उसी के सर पर रखिएगा जो आपके तराजू में पूरा उतरे।
अपना वादा याद रखना। मर्द का वादा पत्थर की लकीर होता है। सुनिए, आपका पता? आज के बाद मेरा ठिकाना आपके दिल में है। जब भी आप याद करेंगी, खादिम हाजिर हो जाएगा। बल्ले बल्ले ओए, मैं मर जाऊं गुड़ खाके। छोटू, तेरी माँ याद कर रही है। नहीं, तेरी माँ याद कर रही है। ओए माँ, ओए। अपनी माँ को याद कर रही है, जरा देख तो सही क्यों याद कर रही। अरे छोटू, क्या देख रहा है रे? तू आंखें बंद कर। बेशर्मी की बात है क्या? मुझे तो पसीने छूट रहे हैं। बिल्कुल बेशर्मी क्या? तू आंखें बंद कर। आंखें तो तेरी खुली है, तू अपने आंखें बंद कर। जो मैं देख रहा हूँ एक अंडा भी देख ले। टूटू बता तो सही, क्या देख रहा है? मुगलों की फौज। मुगलों की फौज? कुछ समझ में नहीं आया। फ्रूट की दुकान। अरे अरे बाप रे, मुझे नीचे उतार, मैं लटक गया, मुझे नीचे उतार। अरे भाई मुझे नीचे उतार। एक मिनट, 100,000 मान लीजिए, मेरी कोई गलती नहीं, ये कहता गया मैं सुनता गया। ये पहलवान, ये देख, ये कील है ना मेरी एड़ी में चुभ रही है, ले निकाल ला इसे। जरूर। ऊपर क्या कर रहा है? मैं चांद पर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ से क्या देख रहा था? यहाँ से जो कुछ भी मैंने देखा सब भूल गया हूँ। मुझे माफ करो और नीचे उतारो। नीचे उतारूं? नीचे उतर, मैं तेरी खबर लेती हूँ।